भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग सभी तरह के डिसेबल्ड लोगों के लिए कई तरह से प्रयास कर रहा है। उनके लिए अधिक से अधिक आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध करा रहा है। हमारे यहाँ जो चार बेसिक मेजर कैटेगरी के हमारे PWDs हैं, इन दी ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड एरिया, जिनको जो है व्हीलचेयर्स, ट्राइसिकल्स, बाकी इस तरह का क्रचेस, ये सब चीज़ें जो दी जाती हैं। विजुअली इम्पेयर्ड जो दृष्टि बाधित हैं उनके लिए अब हम बहुत सारे नए मॉडर्न एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस दे रहे हैं, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, एक स्मार्ट केयर है जो IIT दिल्ली ने बनाई है, डेजी प्लेयर्स, नए मॉडर्न ब्रेल किट्स दे रहे हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट में हमने जो है दो नई चीज़ें स्टार्ट की हैं, एक तो कॉकलियर इम्प्लांट स्टार्ट किया है, 5 साल तक के लोगों के लिए जो है हम कॉकलियर इम्प्लांट्स दे रहे हैं बच्चों के लिए। 100 से अधिक बच्चों को देश में अभी हम कॉकलियर इम्प्लांट्स दे चुके हैं और लगभग 100 हॉस्पिटल्स के माध्यम से इनको हम कॉकलियर इम्प्लांट्स देंगे। कॉकलियर इम्प्लांट्स के माध्यम से बच्चों को सुनने की शक्ति और फिर उससे साथ साथ सीख कर बोलने की शक्ति भी जो है स्पीच थेरेपी के माध्यम से दी जाती है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए थे अभी तक, उनको हमने शामिल किया है। इनिशिएटिव जो हमें मिनिस्ट्री ले रही है वो है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इसके तहत जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे डिसेबल्ड फ्रेंडली फीचर्स नहीं हैं, उनको हम लोगों से कहेंगे कि वो पोर्टल पे अपलोड करें और फिर हम लोग उसके लिए पैसा देंगे। हमारे पास एक स्कीम है सिप्टा करके, जिसके अंतर्गत हम लोग पैसे दे सकते हैं, रैम्प्स बन सकते हैं, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स बना सकते हैं, लिफ्ट्स दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले तो 7 states में शुरुआत करेंगे और उसके बाद पूरी कंट्री में इस एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को ले जाएंगे। इस तरह के विभिन्न कैंपेन के अलावा सरकार डिसेबल्ड लोगों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है। हमारा जो विभाग है उसने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वोकेशनल ट्रेनिंग के एरिया में किया है। इस नेशनल एक्शन प्लान के अंतर्गत 25 लाख लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और इस साल से ही हम इसको शुरू कर रहे हैं, 1 लाख लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, जिसमें तमाम हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, Section 25 कंपनीज हैं यानी नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, इनके सबके सहयोग और एक्सपर्टीज के साथ इस पूरे कार्यक्रम को चलाएंगे। हमारा जो नया PWD बिल है, RPWD बिल, इसमें हमारा रिजर्वेशन जो है जॉब्स के लिए 3% से 5% हो जाएगा। एक नेशनल कमीशन की स्थापना होगी। सरकार न सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है बल्कि उन्हें अधिक से अधिक जॉब्स भी मिले उसके लिए भी प्रयासरत है। बड़ा सा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। पहले साल हम लोग 1 लाख PWDs विकलांगजन को ट्रेनिंग देंगे, अगले साल 1.5 लाख और तीसरे साल 2.5 लाख, तो 5 लाख तो ये 3 साल में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद हम लोग हर साल 5-5 लाख हमने लक्ष्य रखा है। तो अगर आप सब लक्ष्य को जोड़ेंगे तो 2022 तक हम लोग 25 लाख विकलांगजनों को स्किलिंग या योग कौशल ट्रेनिंग हम लोग दे सकेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जो 2.5 करोड़ डिसेबल्ड लोग हैं इंडिया में, हर एक के पास हम पहुँचे हैं, हर एक की सहायता करें।